अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, क्या हाल आप लोगों का? ठीक ठाक, मैं भी बिल्कुल सही हूँ। और सुबह के 7:45 हो रहे हैं और आज संडे का दिन है, मैं जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाई करनी है पिछला हफ्ता पूरा, प्रमोशंस और UMR के चक्करों में गुजरा है मेरा, तो अब कुछ पढ़ाई का वक्त है। मेरे सामने मौजूद है एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी किताब जिसको हम कहते हैं ग्रेज एनाटमी, और अगर आप मेडिकल कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ग्रेज एनाटमी क्या है। अच्छा, और हाँ, आज मेरे दोस्त के भाई की शादी भी है, उधर भी हमें जाना है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। करीब से जानने वालों को ये पता होगा कि ये नाचीज इतवार के दिन नाश्ता बाहर करना पसंद करता है, लेकिन इस संडे को हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास पेट में काफी मवाद मौजूद है, इसलिए हम घर में नाश्ता करें। हाँ यार, तो अभी मैंने ब्रेक लिया और निकला हूँ मैं जरा धूप खाने, देखते हैं असद भाई अगर जागे हुए तो। क्या टाइम हो रहा है? 10 बज गए, हो सकता है जागा हो, उसको पिक करते हैं, थोड़ी सी बातें वगैरह करेंगे एंड देन बैक टू आवर हाउसेस। असद भाई हमारे साथ आए हुए हैं और दिस इज द नोटोरियस असद जिसके बारे में मैं आपको पिछले व्लॉग में बता रहा था, और ये सरदार बेगम डेंटल कॉलेज में है और सिंगल है बेचारे। जा रहे हैं असद भाई और एक नई शख्सियत आ गई है इधर, अदनान शहजाद, कपड़े इस्त्री करने के लिए आ गया। इसके घर में लाइट नहीं है। मेरे घर में भी लाइट नहीं थी और अब इसके कपड़े इससे नहीं हो सकते, लेकिन फिर मेरे दिमाग में जुगाड़ आया, हम गए धोबी के पास, उसके पास गैस वाली इस्त्री थी तो अब उसको दिए हैं, 20 मिनट इंतज़ार करना है और उसके बाद जा रहे हैं अदनान भाई कपड़े लेकर इस्त्री शुदा। तो हो गए कपड़े इस्त्री और अब जा रहे हैं अदनान भाई बेइज्जती खाने अपने वालदैन से शदीद किस्म की, क्योंकि क्या कह रहे हो, इसे मीडिया से हटाओ। भाई तो यार अम्मी जान ने कुछ सामान लाने का कहा है, क्या लाना है? दूध लाना है, दही, टमाटर, गोश्त, क्योंकि आज जो है मस्जिद में खाना देने की बारी है हमारी, तो अम्मी जो है तो आज तैयारियों में मशगूल है और लेट्स जस्ट ओपन दिस डोर एंड वी आर गुड टू गो। ये सारा सामान लेके हम घर पहुंच चुके हैं और तो हम चल रहे हैं अभी शादी में और हसीब का इंतजार कर रहा हूँ, हसीब आ जाएगा, उससे पहले पहले मुझे तैयार होना है। अस्सलाम वालेकुम, ये है मेरे दोस्त अफनान अमीन और ये फुरकान अहमद सिद्दीकी साहब और ये हसीब अहमद है और ये सारे जो है मेरे साथ प्रेप क्लास से पढ़ रहे हैं। और एक सेकंड, अच्छा ये दोनों शर्मा रहे हैं, देखे। और अरसम के भाई की शादी है, अभी अरसम आएगा थोड़ी देर। अस्सलाम वालेकुम अरसम भाई, क्या हाल है? ये मेडिकल कर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपके भाई की शादी। अपनान हेलो, हाय हाय, एक दफा फिर से हाय कर, हाय कर, हाय कर। अब हम बाहर आ चुके हैं और ये है मेरे साथ फुरकान एंड हसीब एंड मोटू भाई साजिद भाई है हमारे साथ, अंडे वाला बर्गर, और ये अफनान था जो ये वाला साइन करा था, और ये लोग कितने आदमी थे जी। खातिन हज़रात, तो मैं घर आ चुका हूँ और बहुत दिनों बाद जब आप अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो आप जो खुशी महसूस करते हैं ना, वो वही वाली खुशी मुझे आज महसूस हुई है। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि पुराने दोस्तों से कांटेक्ट में रहा करें। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इस पे आपको मैं दिखाता हूँ। इट सेज दैट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 70% ऑफ ओरल कैंसर इन द स्टडी रीजन दैट वॉज KPK, और ये जो शहर थे इसमें पेशावर और एटाबाद के चंद
अस्पतालों को लिया गया था। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि ऐसी चीज़ें पढ़ लिया करें इससे पहले कि आप लोग ऐसी कुछ हरकत करें। शुक्रिया। ख़त्म होता है आज का ब्लॉग और आप लोगों से दरख्वास्त है कि अपनी दुआओं में याद रखें और अस्सलाम वालेकुम।